जब से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके अचानक निधन से हर कोई हैरान है, हर कोई शॉक्ड है। बिग बॉस 13 के विनर और बॉलीवुड टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। वो अब हमारे बीच नहीं है। खबर है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन सुबह वो उठ नहीं पाए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां कूपर हॉस्पिटल ने ये पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उनकी मां ने रिपोर्ट में बताया है कि सिद्धार्थ लगभग रात के 3 बजे उनके पास आए थे और उन्होंने अपनी मां को बताया था कि उनके सीने में दर्द हो रहा है और बेचैनी हो रही है। तब उनकी मां ने बोला, पानी पी लो। वो पानी पीकर और मेडिसिन खाकर सोने चले गए, लेकिन जब उनकी मां ने सुबह उन्हें जगाया तब वो उठे ही नहीं। कल रात सिद्धार्थ का परिवार हॉस्पिटल से घर आ गया था। सिद्धार्थ के परिवार वालों का कहना था कि वो कुछ रीति रिवाजों से सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए इसे दिन में ही किया जा सकेगा। अभी थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ का परिवार एक्टर के पार्थिव शरीर को लेने कूपर हॉस्पिटल जाने वाला है और दोपहर में सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार होने वाला है। कल रात को भी उनके घर पर कई बॉलीवुड सितारे नजर आए थे और अभी देखना यह है कि उनकी अंतिम यात्रा में आज कौन कौन से बॉलीवुड सितारे नजर आएंगे। सिद्धार्थ के करीबी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।